तो दोस्तों ये है हमारी दूसरी आर्टिस्ट, और इधर मैम भी कुछ बना रही हैं और अपने हाथों से वो चीज़ों को ये अपने पेज पे उतार रही हैं जो इंसान ऐसे अपनी आंखों से देखता है, और देखते हुए अपने हाथों से उतारना एक पेज पे ये बहुत बड़ी कला होती है। क्या बना रही हैं मैम? ये लैंडस्केप है। अच्छा, वाटर कलर लैंडस्केप। अच्छा, जो यानी सामने आपको दिख रहा है उसको आप अपने हाथों से एक पेज पे कैप्चर कर रही हैं। कहाँ से सीखी हैं आप? अच्छा, ये जो आप सामने देखती हैं वो पानी गिर रहा है, उसका पहाड़ इतना सुंदर लग रहा है कि वो अपने आप हमें वो कॉल करता है कि करे ही। अच्छा अच्छा, मतलब वो खींचता है आपको, बुलाता है ना। आखिर ये कहाँ से सीखी हैं आप? अरे मैं तो बहुत 40 साल से मैं यही कर रही हूँ। 40 साल से? मतलब आपका नाम क्या हुआ? केलकर। केलकर, अच्छा, ये मराठी नाम है। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब आप फुल एजुकेटेड मैन हाँ हो मैं ना। अच्छा अच्छा, 30 साल प्रैक्टिस की। वैसे आपको मतलब ये सब करके मतलब क्या फील होता है, वो वाइब्रेशन जो स्पिरिचुअलिटी होता है कैसा लगता है आपको? अरे वो तो बहुत सुंदर है। हाँ, मैं तो सोचती हूँ कि हर एक कर रही है। हाँ, हर एक जन कर रहे हैं, जीवन का आनंद ही है। बिल्कुल, जीवन में अगर दौड़ में बहुत सारे इधर उधर घूमते हैं पर ये काम करने से लाइफ में शांति बहुत जरूरी है, सुकून, हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जब आप किसी चीज़ को देखकर अपने आंखों से देखकर उसको जब आप एक पीस पे उतारती हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग उसे देखते हैं, लोगों को पसंद आता है, और जब लोग वो चीज़ को पसंद करेंगे उनके लाइफ में सुकून आएगा, देखने के बाद ठंडक महसूस होगा, तो आपको भी लगेगा कि मैंने कुछ किया है ना। और इस उम्र में अप्रोक्स आपका इस 50 साल के, हाँ कितना, 60 प्लस 66। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों मैं बताऊँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये मेम का 66 एज है, लेकिन कोई देख के ये नहीं कह सकता है कि ये 66 के एज में है अभी। और अभी हम लोग गांव से, जैसे गांव से बिलोंग करते हैं तो उधर क्या है ना कि 60 साल के लोग बहुत बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उधर फिटनेस ये सब चीज़ों पे लोग फोकस नहीं करता है, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस नहीं करेगा, माइंडसेट पे फोकस नहीं करेगा। हाँ ये ना, बिल्कुल, ये तो ये जो आप फील कर रहे हैं ना कि मेरी उम्र इतनी नहीं रही, हाँ हाँ, कारण ही कला है। कला, हाँ, जाहिर सी बात है, हम आत्मसात करें ना, हम अपने आप यंग रहते, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और गाँव के लोग क्या है ना कि बस खाने पीने पर सिर्फ फोकस है, लोग खाएगा और बस ऐसे ही सोएगा, बस उसी पे लाइफ है, वही चीज है। बिल्कुल, हॉबी इज वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल, आपका कितना एज है? 58। देखिए उनका 58 और इनका 66, लेकिन कोई देख के नहीं बोल सकता। हमें तो ऐसा लगा कि अभी 50 से भी मुझे कम ही फील हो रहा था कि अप्रोक्स 45 के आसपास होंगे आप लोग, लेकिन क्योंकि हम लोग के इलाके में मतलब आप लोग की एज की जो औरतें होंगी ऐसे देखने में लगेगा ना कि वो लोग 45 में चाहे 50 में है ना, डल हो चुकी हैं, लेकिन आप लोग इतने फिट एंड फाइन होते हुए भी, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। हम लोग जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है ना, तो उस पर हम लोग, मैं बता देता हूँ अभी, तो उस पर हम लोग ये सब एक्सप्लोर करते हैं, सच्चाई को एक्सप्लोर करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, लोगों से लाइफ स्टोरी जानते हैं कि कैसे लाइफ में इंसान आगे बढ़ा, कैसे क्या क्या किया ना, वो सब चीज़ों को।